इस ऐप का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है और पीएम मोदी ने आज कहा कि इस ऐप के जरिए 2 हफ्ते के अंदर लोगों का अंगूठा ही उनका बैंक बन जाएगा और अब मीडिया लोगों से पूछेगा क्या उनके पास भीम ऐप है। लेकिन आज जब नोटबंदी की तारीख खत्म हो रही है, जनता भी सरकार से ये पूछ रही है कि नोट जमा कराने की डेडलाइन तो है लेकिन परेशानियों को खत्म होने की डेडलाइन कब देंगे साहब। इसलिए आज बहस इसी बात की है कि लोगों को बैंक से अपनी मेहनत की पूरी कमाई निकालने का कब मिलेगा। नोटबंदी के ऐलान के 52 दिन के बाद बैंकों में लाइनें तो कम हो गई लेकिन खत्म नहीं हुई। ये हालात कब तक बने रहेंगे इसकी कोई गारंटी है? एक अनुमान के मुताबिक पैसों के लिए 1 घंटे के लिए कतार में लगने वाले एक आम आदमी को 47.5 रुपए का नुकसान होता है और 2 घंटे में लाइन लगे रहने पर 95 रुपए का नुकसान। और देश में 40 करोड़ ऐसे गरीब हैं जिनके लिए रोजाना ये 95 रुपए का नुकसान सहना बहुत मुश्किल है। 52 दिन बीत जाने के बावजूद देश में बैंकों और एटीएम से पैसे निकालने के लिए औसतन 2 घंटे इंतजार हो रहा है और इस हिसाब से देश में अगर 1 करोड़ लोग रोज लाइनों में लग रहे तो नुकसान होता है 95 करोड़ रुपए के आसपास। हम आपको बता दें आंकड़े सिर्फ अनुमान है लेकिन इनका जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि नोटबंदी के 52 दिन बाद भी पैसे निकालने के नियम जस के तस हैं। आज भी बैंक में 1 हफ्ते में 24,000 रुपए ही निकाले जा सकते लेकिन बैंक की लाइन लगने के बाद 24,000 मिलेंगे या खाली हाथ लौटना पड़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इसी तरह रोजाना एटीएम से पैसे निकालने की लिमिट 2,500 है लेकिन एटीएम से पैसे मिलेंगे ही इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए आज सवाल यह है कि जब नोट बैन की डेडलाइन दी जा सकती है तो लोगों की मुश्किलों के अंत की डेडलाइन क्यों नहीं दी जा सकती? आखिर किसी तारीख के साथ क्यों यह भरोसा नहीं दिया जा सकता कि उस तारीख के बाद हालात पहले जैसे सामान्य हो जाएंगे? आखिर कब तक लोगों को अपनी मेहनत की कमाई निकालने के लिए भगवान भरोसे बैठा रहना पड़ेगा? और क्या भीम ऐप यूपी चुनाव में दलितों का दिल जीतने का रास्ता बनाने की एक कोशिश है? ताल ठोक के आज की बहस इसी पर। मैंने कहा था मुसीबत आएगी और 50 दिन ये तकलीफ होगी ही होगी और तकलीफ रोज़मर्रा थोड़ी बढ़ती भी जाएगी लेकिन 50 दिन के बाद मैंने हिसाब किताब लगाया है कि धीरे 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 आपकी आंखों के सामने परिस्थितियां सुधरती नजर आ जाएगी। एक और काम हो रहा है जिसकी सिक्योरिटी कि चेकिंग की व्यवस्था चल रही है इन दिनों, वो आने के बाद तो ये भीम की ताकत ऐसी होगी न स्मार्टफोन की जरूरत पड़ेगी, न फीचर फोन की जरूरत पड़ेगी, न इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ आपका अंगूठा काफी है, आपका अंगूठा काफी है। 10 साल से जिनकी अगुवाई में देश शर्मसार होता था वो कितने बिलख रहे हैं रोज देख रहे हैं ना, झूठे मूठे आरोप, बेबुनियाद आरोप। मैं उनको बहुत विनम्रता से बताना चाहता हूं हम उनके दर्द को समझते हैं क्योंकि जिनको वो बचाते थे उनके खिलाफ हम सख्त हैं। कल से लोगों को साधारण तरीके से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा क्या? कल से सारे एटीएम चालू हो जाएंगे, लोग पैसा निकाल पाएंगे क्या? प्रधानमंत्री जी, नोटबंदी से हुए नुकसान की भरपाई आपकी सरकार अब करेगी? ये सारे सवाल अब देश जानना चाहता है, इनका जवाब दीजिए। जिससे मकसद के लिए ये नोटबंदी किया गया था वो मुख्य रूप से काले धन पर अंकुश लगाने के लिए था, लेकिन जिस प्रकार से पैसे जमा हुए हैं बैंकों में जिस अनुपात में, उससे ये स्पष्ट हो गया कि जो सरकार का जो अनुमान था वो बिल्कुल एक तरह से ध्वस्त हो गया। जब ग्राहक ही नहीं आएंगे तो आमदनी किस तरह से होगी? गरीबों को तो भलाई करा है उन्होंने, अच्छा ही क्या है, सेठ लोगों का जो है नुकसान कराया तो करने दो, हमें तो भलाई है। थोड़ी सी परेशानी हुई है आगे एक नंबर के काम में आदमी एक निश्चिंत होकर सोएगा। ना तो समस्या सॉल्व हुआ है, ना नोटबंदी के इतना वो कैश फ्लो करा पाए हैं। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, पुराने नोट की डेडलाइन खत्म, नए नोट पर पाबंदी कब तक? दूसरा सवाल, अपनी कमाई पर जनता को
कब मिलेगा पूरा हक? तीसरा सवाल, कैशलेस इंडिया को कतार से कब मिलेगी आजादी? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, नोट के लिए कब तक होगी आम आदमी की जेब पर चोट? तो आपको बता दें, ताल ठोक के आज हमारे साथ बात करने के लिए कौन कौन से खास मेहमान हैं। मेरे साथ यहाँ विजय सरदाना साहब मौजूद हैं, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, MBA किया है उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से। स्वागत है विजय सरदाना आपका। आपको याद होगा जिस रोज 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान हुआ था, उस दिन से अब तक लगातार इस पूरे 50 दिन के दरमियान विजय सरदाना अक्सर हमारे साथ रहे। इस पूरी परिस्थिति का, इस 50 दिन का उन्होंने बखूबी अध्ययन किया। तीन राजनीतिक पार्टियों से मेहमान हमारे साथ हैं। श्रीकांत शर्मा हमारे साथ हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का युवा चेहरा है, पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। हमारे साथ राजीव रंजन हैं, वो JDU के नेता हैं, जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार के सहयोगी हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस महासभा के चेयरमैन। और हमारे साथ गौरव भाटिया हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, TV चैनल्स पर समाजवादी पार्टी का पक्ष भी रखते हैं। अब से कुछ मिनट के बाद वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले तो श्रीकांत शर्मा, क्योंकि सामने यूपी का चुनाव है, पीछे नोटबंदी है, बीच में कतारें लगी हुई हैं लोगों की, और उस सब के दरमियान अचानक प्रधानमंत्री की तरफ से एक ऐप लॉन्च होता है, उसका नाम होता है भीम। और फिर उस एब्रीविएशन को डिटेल में जाके आप कुछ भी बता दीजिए, प्रधानमंत्री जब अंबेडकर को वो समर्पित करते हैं तो ये सवाल पूछा जाएगा आपसे कि क्या यूपी चुनाव को देखते हुए दलितों को रिझाने के लिए आपने इसका नाम भीम रखा? देखिए रोहित जी, आप पत्रकार हैं और आपका काम है सवाल पूछना, और आपको सवाल पूछने भी चाहिए, क्योंकि पत्रकार अगर सवाल पूछना बंद कर देगा तो फिर लोकतंत्र में कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। हमने जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े जो उनके 5 स्थान थे, हमने उनको पंचतीर्थ के नाम से विकसित किया, तभी भी मुझे लगता है कि रोहित सरदाना ने तो नहीं लेकिन अन्य लोगों ने सवाल पूछा था कि भाई क्या आप कहीं ना कहीं उस वर्ग के लोगों को आप लुभाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने लंबे समय तक इस देश के अंदर राज किया और जिन पॉलिटिकल पार्टी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चिल्ला चिल्ला कर अपना बताने का काम करते हैं, क्या उन्होंने पंचतीर्थ विकसित करने के लिए किसने रोका था? हमने तो नहीं रोका था। अगर आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से अगर कोई ऐप लॉन्च कर रहे हैं तो उसको पॉलिटिकल चश्मे से देखना मैं मानता हूं, या किसी जाति के साथ जोड़कर देखना, वोट बैंक के साथ जोड़कर देखना, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं। हमने जब ORP का फैसला लिया, 40 साल से वन रैंक वन पेंशन का एक पेंडिंग मामला रहा, लेकिन लोगों ने, सरकार ने जो रही उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों को उनका हक नहीं दिया। हमने जब ORP लेकर आए तभी भी आप लोगों ने सवाल खड़े किए कि भाई आप क्या चुनाव के लिए लेकर आ रहे हैं? इस देश के अंदर हर 6 महीने में साल में किसी ना किसी राज्य में चुनाव होता है, तो क्या मतलब सरकार, केंद्र की सरकार काम करना बंद कर दे? ठीक है, हमारा काम है जो हमें मैंडेट मिला है। ठीक है सर, समय हो गया, 1.5 मिनट पूरा होगा तो अपने आप आवाज बंद हो जाती है। मुझे लगता है अब आप लोगों को यह नियम याद हो गया होगा, फिर भी बखूबी आपने 1.5 मिनट में काफी हद तक अपनी बात कह दी है। जो बच गया वो आप अगले चंक में जब आपके पास आऊंगा आप कह दें। लेकिन राजीव रंजन, हमें लगता था कि नोटबंदी कम से कम एक ऐसा विषय है जिसको राजनीति से परे रखा जाएगा, और यहां 50 दिन पूरे होते होते जो ऐप लॉन्च होता है वो भी ऐसे लगता है कि यूपी चुनाव को ही समर्पित है। जी, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, नोटबंदी को लेकर के जब एक पूरे देश की उम्मीदें इस फैसले को लेकर के रही हैं कि देश में बहुत कुछ बदलेगा, हमारी पार्टी और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने भी इसे एक साहसिक कदम बताया। लेकिन अगर ऐप का नाम भीम रखा जाए या कुछ ऐसे भी फैसले हुए जिनको लेकर के हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये देश की जनता के लिए कुछ और मानदंड हैं, पार्टी और उनकी पार्टी से जुड़े लोगों के लिए वो दूसरे मानदंड हैं। कल या परसों एक घटना हुई है जिसमें 3 करोड़ रुपए नकदी पकड़े गए उत्तर प्रदेश में, बाद में अमित शाह जी की चिट्ठी से ये साबित हुआ कि वो पार्टी कार्यालय को नकदी भेजी जा रही थी। एक तरफ प्रधानमंत्री जी डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं, एक चाय वाले को भी भुगतान अगर करना है तो चाय पीजिए और डिजिटल भुगतान कीजिए, और दूसरी तरफ
नकदी के कारोबार को लेकर के, नकदी के व्यवहार को लेकर के पहले भी हम लोगों ने जमीन की खरीद के सौदों को लेकर के कई सवाल रखे थे। बाद के दिनों में भी काला धन सफ़ेद करने के कई आरोप भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं पर लगे, जनार्दन रेड्डी इनके बड़े नेता थे। और उसके बाद जिस तरह से उत्तर बंगाल में मनीष शर्मा और कई इनके फंक्शनरी, जिसमें एक आरएसएस और बीजेपी दोनों से जुड़े हुए नेता थे, मध्य प्रदेश में भी उनके यहाँ छापे पड़े। हमारा ये कहना है कि देश अगर एक बड़े फैसले के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर रहा है वो सर खत्म हो गया। एक चीज मैं आपको करेक्ट कर दूं कि आप जो कह रहे थे कल 3 करोड़ रुपए पकड़े गए अमित शाह की चिट्ठी से छूटे, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की सर कांग्रेस ने, वो मामला सितंबर का था, नोटबंदी से 2 महीने पहले का। बहरहाल उस पर कल हमने लंबी बहस की थी। आज का जो विषय है सर, मैं विजय जी आपको अब चर्चा में लेके आ रहा हूँ थोड़ा सा इससे इतर कि भाई ये भीम ऐप जो नाम रखा वो राजनीति के लिए रखा या ऐसे कुछ, ठीक है BHIM रखना था तो वो अपने आप भीम बन गया और उससे अब लग रहा है कि वोट भी आ जाएंगे। मेरा सवाल इससे थोड़ा सा इतर है आपसे, क्योंकि आप इकोनॉमिस्ट हैं, 50 दिन बाद आपको लगता है कि आज लोग पूछ रहे हैं कि साहब आपने हम पे जो रोक लगाई थी उसको कब हटाएंगे, आपने हमको जो लिमिट लगा दी कि इससे ज़्यादा पैसे आप नहीं निकाल सकते उसको कब हटाएंगे? आज हम बैंक जा रहे हैं लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि पैसे मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, वो गारंटी कब मिल जाएगी? देखिए रोहित जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और जहाँ तक मेरी समझ है ये है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये अभी जारी रहेगी, क्योंकि भारत सरकार का और प्रधानमंत्री का भी अगर फोकस देखें पिछले 3-4 हफ्तों में, वो पूरा का पूरा शिफ्ट होकर ई पेमेंट पर आ गया। अगर आज आप करेंसी एट विल देने लग जाओगे तो लोग वापस फिर ई पेमेंट पे से ध्यान हटा के वापस कैश पे आ जाएंगे, और जो आप इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाना चाहते थे वो नहीं आएगी, मनी ट्रेल नहीं होगा और धीरे धीरे फिर ब्लैक मनी इकट्ठा होना शुरू होगा। तो ये एक सोची समझी मेरे को लगता है कि कवायद है, और भारत सरकार चाहती है कि थोड़ी दिक्कत रहे ताकि लोग बार बार ई पेमेंट के बारे में सोचें और धीरे धीरे उसको अडॉप्ट करें। तो ये एक कार्रवाई है, एक सोची समझी रणनीति के तहत शायद हो रहा है। जहाँ तक बात है कि लोगों को पैसा मिलेगा या उनका कब पैसा मिलेगा, निश्चित रूप से पैसा उनके अकाउंट्स में पड़ा है, कोई उनसे ले नहीं रहा, अपने चेक के माध्यम से वो ले दे सकते हैं, लेकिन कैश ट्रांजैक्शन क्यों हो एक आम आदमी को ये भी सोचना पड़ेगा। आपने कहावत सुनी है ना, किसी पुराने ज्ञानी ने कही है, मुझे नाम याद नहीं है, माफी चाहता हूँ, आपका समय ले रहा हूँ, कि बैंक में पड़ा पैसा और किताब में लिखी विद्या किसी काम की नहीं है जब तक आप उसको इस्तेमाल ना कर सकते। बिल्कुल सही है। देखिए मैं वही आपसे कह रहा हूं कि अगर आपके पास जरूरत नहीं है तो आप लेके घर में क्यों रख रहे हो, ये भी सोचना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को आज बैंकिंग सिस्टम पे भरोसा नहीं है, आज भी लोग घर में 20-25-50 हजार रुपए घर में रखते हैं इमरजेंसी के नाम पे, क्योंकि पता नहीं कल मिले ना मिले, या इवन डिमोनिटाइजेशन से पहले की मैं बात बता रहा हूं तब भी लोग घरों में रखा करते हैं। तो ये एक बदलेगी। ठीक है श्रीकांत शर्मा, अभी तक लोगों को ये नहीं समझ में आया, आप काला धन निकालना चाहते थे कि कैशलेस इंडिया बनाना चाहते थे? देखिए रोहित जी, आपके दोनों सवाल जो है ना, दोनों सवाल ही अच्छे हैं और दोनों सवालों पर ही काम हो रहा है। एक तो काला धन हमेशा के लिए, भ्रष्टाचार काले धन पर प्रहार हो और काले धन का और भ्रष्टाचार का खरपतवार दोबारा पैदा ना हो, इसीलिए लेस कैश इकोनॉमी की तरफ, मतलब डिजिटल पेमेंट करो आप, तो डिजिटल पेमेंट के माध्यम से जब आप करेंगे तो ये जो कट होता था, जो कमीशन होता था, ये जो केंद्र के जो योजना है जो गांव गरीब के लिए होती हैं, जो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ता था वो ना चढ़े। ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट्स जो है, जैसे आप मनरेगा का मजदूर है तो उसको पेमेंट चेक के माध्यम से हो, अब जैसे LPG सब्सिडी है वो LPG सब्सिडी बैंक के बैंक खाते में सीधी चली जाए, अब जैसे किसी विधवा पेंशन है वो पेंशन का लाभ उसको सीधा मिले, अब जैसे फसल बीमा योजना है वो सीधा किसान के खाते में चली जाए, अब किसान में ई मंडी के माध्यम से किसान के खाते में जो फसल बेच कर जा रहा है वो सीधी चली जाए। तो जो पहले कमीशन खोरी होती थी, जो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ता था पैसा, उसको रोकने का हमारा देह है। मैं आपको माफी चाहूंगा रोहित जी, ये जो हमारे JDU के प्रवक्ता बैठे हुए हैं सर, समय हो गया, 1 मिनट हो गया, श्रीकांत जी आवाज चली गई आपकी, वापस आऊंगा आपके पास। JDU के प्रवक्ता को आप डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं, थोड़ा सा समय आपको बाद में मिलेगा, जो फ्री राउंड होगा आप डायरेक्ट सीधे उनके साथ चिट चैट भी कर पाएंगे, इंटरवीन भी कर पाएंगे एक दूसरे की बात पे। अभी थोड़ा माहौल अच्छा रहे, सब अपनी अपनी बात करें और सबकी समझ में आए, इसलिए हमने ये व्यवस्था की है कि एक निश्चित समय के बाद आपकी आवाज़ अपने आप बंद हो जाती है। अब मैं राजीव रंजन आपके पास आ रहा हूँ कि हम डिजिटल इंडिया पर जाना चाहते हैं, हम कैशलेस इंडिया पर जाना चाहते हैं, उससे ब्लैक मनी पर लगाम लगाना चाहते हैं। खुद देश के सबसे सक्सेसफुल प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री कहे जाते हैं जो मनमोहन सिंह, उन्होंने संसद में खड़े होकर कह दिया कि इस देश का इतना बड़ा हिस्सा जो है वो बैंकिंग सेक्टर का हिस्सा ही नहीं है। अब मुझे नहीं पता वो अपनी कामयाबी बता रहे थे या नाकामी बता रहे थे,
लेकिन ये तो सच है ना कि बैंकिंग सेक्टर का हिस्सा नहीं है। जो बैंकिंग सेक्टर का हिस्सा नहीं है वो चेक का क्या करेगा, वो रुपए कार्ड का, एटीएम कार्ड का क्या करेगा, डेबिट कार्ड का क्या करेगा? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए एक बात बहुत ही स्पष्ट है कि पहले डिजिटल लिटरेसी महत्वपूर्ण है इस देश में। जहाँ लोग एक तिहाई आबादी निरक्षर हो, जहाँ की जहाँ के डिजिटल लिटरेसी को लेकर के जो आंकड़े हैं, अभी प्रामाणिक आंकड़े नहीं हैं, लेकिन एक बड़ी आबादी को एटीएम का इस्तेमाल करना, ई पेमेंट करना और इस तरह के बहुत सारे जो जिन चीज़ों को लेकर के पेटीएम और कई सारी चीज़ें इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई, उनका इस्तेमाल आज जनता नहीं जानती है। और सीधे आपने काला धन के साथ एक डिजिटल इंडिया को और कैशलेस इंडिया की तरफ भी ले जाने का फैसला कर डाला। तो मुझे लगता है नोटबंदी को लेकर के हमारी पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यह मानना था कि बड़ा कदम है, साहसिक कदम है, लेकिन डिजिटल इंडिया के लिए, हिंदुस्तान को तैयार करने के लिए जो ज़रूरी एहतियात बरतने चाहिए या जो ज़रूरी तैयारियां करनी चाहिए थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कोई तैयारी नहीं की थी। ठीक है। और बार बार ये कहना कि इस देश में पहली बार कोई काम हो रहा है, इसके पहले भी आपकी समय समाप्त हो गया आपका। विजय जी जल्दी से, अभी प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे थे उन्होंने कहा कि अब से 2 हफ्ते के बाद ना तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत होगी, ना मोबाइल की ज़रूरत होगी, ना किसी इस तरह के इंटरफेस की ज़रूरत होगी, आपका अंगूठा ही जो है वो भीम ऐप से आपका काम कर देगा। थोड़ा उसके बारे में लोगों को जानकारी समझा पाएंगे आप, क्या करना चाह रही है सरकार और किस चीज़ पर फोकस क्या है सरकार का? देखिए निश्चित रूप से ये एक ऐप्स जो सरकार कह रही है, अगर ऐप्स है तो निश्चित रूप से इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए और ये हम कह सकते हैं कि शायद गांव में इंटरनेट पहुंच गया है, लेकिन क्या सिर्फ बगैर उसके, बगैर बैंकिंग सुविधा के ऐप्स काम करेंगे? कहीं ना कहीं तो आपको पैसा रखना है, कहीं ना कहीं तो वो एक पोर्टली रखे हुए आप अपनी जिसमें से आपका ऐप उससे कनेक्ट हो, उसके लिए बैंक चाहिए। तो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर आप जो ऐप लॉन्च कर रहे हैं वो सिर्फ ट्रांजेक्शन है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, लेकिन बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे किसान अपना पैसा जमा कराए या जहां उसका व्यापारी उसके खाते में डाले, वो सिस्टम तो फिर भी चाहिए। अब वाराणसी का किसान दिल्ली में तो अकाउंट नहीं खोलेगा, उसको तो अपने गांव में, वाराणसी के गांव में ही चाहिए अकाउंट, तो वो तो चाहिए ही चाहिए। ये जो हम कह रहे हैं कि आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा, एटीएम के आगे खड़ा नहीं होना पड़ेगा, उसके लिए ये ऐप है ताकि आप बैंकों के आगे भीड़ ना लगाएं। ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी है जहां पे करेंसी ना आप हैंडल करके ऐप के माध्यम से पेमेंट ले दे सकें, ये वहीं तक सीमित है, लेकिन बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको फिर भी चाहिए। ठीक है, तो ये बात हमें समझनी है। श्रीकांत शर्मा, अब समय सीमा हट गई है, आप कह सकते हैं राजीव रंजन से जो आप कहना चाहते थे। नहीं, मेरा निवेदन इतना है रोहित जी कि जो दुष्प्रचार कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के समर्थन से ये सरकार चला रहे हैं, और जदयू में नीतीश कुमार जी ने इस नोटबंदी का समर्थन किया, लेकिन जदयू के जो प्रवक्ता हैं वो अनर्गल बिलाप टीवी पर करते हैं, और आज तो पराकाष्ठा है। वैसे तो मैं बड़ा सम्मान करता हूं ये हमारे जो जदयू के मित्र हैं, लेकिन इतना सफ़ेद झूठ आप टीवी पर बोलोगे कि 3 करोड़ कल जा रहे थे, परसों जा रहे थे। अरे भाई, आपसे अपेक्षा नहीं होती है? केजरीवाल बोले, राहुल गांधी बोले, सितंबर में भी जा रहे थे श्रीकांत शर्मा जी, तो हमारा आरोप तो नोटबंदी के फैसले के 2 महीने पहले से जमीन के सौदों में जो गड़बड़ियां हुई, तो हम पहले भी बोलते थे कि नोटबंदी के फैसले की जानकारी आपको थी, समझ में आ जाएगा। भले आप गलत, एक दिन पहले जस्टिफाई करने की कोशिश, नहीं नहीं, मैं अपने बयान सुनिए भाई, आप क्या मतलब इस देश में क्या कर रहा हूं, कौन से नियम सिद्धांत आप तय करना चाहते हैं? इसके पहले भी हम लोगों ने श्रीकांत शर्मा जी आरोप लगाए हैं जमीन के सौदों को लेकर के, कि सितंबर से जमीन के सौदे में आपकी सरकार है ना, जब से नीतीश कुमार गई है। अरे सुन लो भाई, जमीन की बार बार आप राग अलापते हो, उसमें नोटबंदी के फैसले की भनक आपके नेतृत्व को थी, आपने पैन के नंबर का गलत इस्तेमाल किया भाई, पुरानी अरे घिसी पिटी बातों को क्यों रिपीट कर रहे हो भाई? आपके पास कोई नई चीज नहीं है बोलने के लिए क्या भाई? आप घिसी पीटी बातों को रिपीट करते हो। आपने ये कहा, आप घिसी पीटी बात, अरे सुन लो, आपका सवाल हो गया, मैं जवाब दे दूं आपको, कोशिश कर रहे हैं सम्मानीय राजीव रंजन जी, मेरा मैं जवाब दे दूं आपको, मैं आपको जवाब दे दूं क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, दे दीजिए। मेरा सिर्फ आपसे निवेदन यह है, मेरा आपसे निवेदन यह है, आप बार बार जमीन की बात कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी को अपने पूरे देश के अंदर, अपने जिलों के अंदर क्या कार्यालय नहीं बनाने चाहिए? आप कह रहे हैं हमने गलत किया है। नीतीश कुमार जी 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप 15 साल के पूरे कहां कहां किस किस का लेन देन हुआ, किस पार्टी ने, सुन लो भाई, सुन लो, एकदम एक मिनट सुन लो, जदयू ने क्या लिया, कांग्रेस ने क्या लिया, बीजेपी ने क्या लिया, काला चिट्ठा निकाल दो। 11 साल से नहीं,
काला चिट्ठा निकाल दो ना, जनता के सामने रख दो, कौन चोर है कौन साहूकार है सब ध्यान में आ जाएगा। हर दिन झूठे आरोप क्यों लगाते हो, हर दिन झूठे आरोप क्यों लगाते हो? बिल्कुल, हमारे साथ जब सरकार में थे, हमारे साथ जब चुनाव लड़ते थे तो हेलीकॉप्टर में तो बैठ जाते थे। श्रीकांत शर्मा जी, मैं जवाब देता हूं आपको। नहीं, आप सुन लो, पेशेंस रखो थोड़ा। जब हमारे साथ चुनाव लड़ते थे तो हेलीकॉप्टर में तो आगे बढ़कर बैठ जाते थे। पूछा था कि हेलीकॉप्टर का पैसा कहां से आ रहा है? आज पूछ रहे हो कि कार्यालय खोलने का पैसा कहां से आ रहा है? बैंक से आ रहा है, नंबर एक में आ रहा है। अगर आपको लगता है कहीं डाउट है तो जांच करा लो। या ऐसा डिस्कशन आप ही को मुबारक हो, बिहार में नीतीश कुमार जी के करिश्माई चेहरे के बल पर आपकी सरकार बन पाई थी। अरे भूल जाओ चेहरा, चेहरा आप देख लो, घर जाके देख लो की जगह। नहीं, चेहरा नीतीश कुमार का भी देख लो और अपना भी चेहरा देख लो। हो सकती है, नहीं, चेहरा नीतीश कुमार जी का भी देख लो, अपना भी देख लो। सिद्धांत की बातें आप करना बंद कर दो, पार्टी के साथ सरकार बना रहे हो। तुम्हीं को मुबारक। रुकिए रुकिए, झगड़िए मत ऐसे, देखिए अच्छा नहीं लगता। कल हमने एक चर्चा तैयारी करके आ रहे, झूठ बोलने का प्लेटफॉर्म नहीं है जी टीवी। मैं कल की बात पे आ रहा हूँ। आप मेरा जवाब रोहित जी लीजिएगा, सुन लीजिए ना, सुन रोहित जी मेरा जवाब लीजिएगा। राजीव जी आप जवाब दीजिएगा। कल चार बड़ी पार्टियों को हमने ईमेल किया और चारों बड़ी पार्टियों के नेताओं को, कोषाध्यक्षों को ईमेल किया, ये कहते हुए कि ठीक है, अगर ये आरोप लग रहा है कि पार्टियां कैश में डील कर रही हैं, बीजेपी कैश में डील कर रही है, तो सारी बड़ी पार्टियां अपनी अपनी बैलेंस शीट लेके आए। 8 नवंबर के बाद उन्होंने जो डीलिंग्स की उसमें से कितनी कैश थी, कितनी ऑनलाइन। आज 24 घंटे हो गए, किसी भी पार्टी ने अब तक उस पर जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। कांग्रेस पार्टी ने तो कल ये सवाल उठा दिया कि आप हैं कौन पूछने वाले, हम आपको क्यों जवाब दें इस बात का कि हमने कितना डील किया और कैसे डील किया। मेरा सवाल ये है राजीव रंजन साहब कि ठीक है, आप लोग पहले गठबंधन में थे, आज अलग अलग हैं, पहले मिलकर चुनाव लड़ते थे, वाकई एक हेलीकॉप्टर में उड़ते थे, आज एक हेलीकॉप्टर में जाता है तो दूसरा नीचे से पत्थर उछालता है, पर इस परिस्थिति में भी सर अपनी अपनी जो इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है उससे तो नहीं बच सकते ना। उनके ऊपर आरोप है तो आपके ऊपर भी आरोप है। नहीं, मैं वही जवाब आपको दे रहा हूं। आपके सवाल अगर पूरे हो जाए तो रोहित जी मैं अनुमति चाहूंगा कि मैं अपनी बात रख सकूं। मैं ये कहना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को अमर्यादित टिप्पणी करने की आदत है। जनता दल यूनाइटेड ने राष्ट्रीय महत्व के उन तमाम सवालों पर केंद्र की सराहना की और अपना समर्थन जारी किया जो कहीं ना कहीं राष्ट्रहित में जनता दल यूनाइटेड की दृष्टि में महत्वपूर्ण थे, चाहे वो आतंकवाद का सवाल हो, चाहे वो पाकिस्तान पर जो सर्जिकल स्ट्राइक आपने किया, जीएसटी का सवाल हो या डिमोनेटाइजेशन का सवाल हो, बेनामी संपत्ति का सवाल हो, इन तमाम सवालों पर जनता दल यूनाइटेड, एनडीए के अंदर भी कुछ दल इनके खिलाफ थे लेकिन हमारे दल ने समर्थन किया। हमारा ये कहना है कि जिन सवालों पर हमारी असहमति है तो क्या उस विरोध को दर्ज करने में या असहमति को दर्ज करने में आप अलोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करना या मर्यादा अमर्यादित टिप्पणियों की का प्रयोग करने से क्यों नहीं बचते हैं? नीतीश कुमार जी हेलीकॉप्टर का भाड़ा दे पाए नहीं दे पाए, नीतीश कुमार जी के चेहरे के बल पर बिहार में आपकी सरकार बन एक अच्छी चीज है, पहली बात। और मैं सुनिए, मुझे मैं केवल 30 सेकंड ले रहा हूँ, मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। इस समय वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, इससे आगे जा रहे हैं राजीव जी, वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव आ रही है, उस पर जाना पड़ेगा, थोड़ी देर सुनना पड़ेगा। सरकार कोई नई बात बता रही है क्या नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने के बाद? सुनिए वित्त मंत्री क्या कह रहे हैं। DTA विथ सिंगापुर, इन फैक्ट इन दी डबल टैक्सेशन अवॉइडमेंट एग्रीमेंट दैट वी हैड विद मॉरिशियस, the Singapore arrangement was based on the same terms, and one of the terms and conditions was that once the agreement with Mauritius stands amended, similar amendments will be brought to the Singapore arrangement. The government of India since 1996 had been making a series of efforts to amend the arrangement with Mauritius. But I must say that the year 2016, which ends tomorrow, has really been significant and historic in this direction. So all the three major DTAs, which had come in for considerable comment in India, now stand amended. And all three have been amended this year. One of the reasons and the apprehension had been that
these DTAs had given a complete exemption in the name of tax avoidance on capital gains to possible investors, because there was no capital gains in the contracting country. And there being no capital gain in the contracting country, the beneficiary would not pay any capital gain in India on the ground that the taxation rules of Singapore or Mauritius or Cyprus would be applicable to them. And in those jurisdictions, there was no capital gains. And therefore, there was a reasonable apprehension that these agreements were also being misused. तो वित्त मंत्री अरुण जेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि विदेशों में जमा काले धन को लेकर देश के जो समझौते हैं उन पर सरकार क्या कर रही है, किस किस देश के साथ किस किस तरह से किन किन शर्तों पर चीजें आगे बढ़ी हैं और वो कब कब क्या क्या हुआ है।